नेक्स्ट मूव क्या रिलायंस में भी एक्सपेक्ट करनी चाहिए? रिलायंस के चार्ट एक बार देखें। खुश जी अफ्रीका, बिल्कुल करनी चाहिए। इनफैक्ट मूव इज यू नो ऑलरेडी अंडर वे। अब हम यहाँ पे जैसे कहते हैं, हम चलती हुई ट्रेन में यू नो चढ़ेंगे, बट दैट्स नॉट अ बैड आइडिया अगर आप ट्रेडर हैं तो। राइट, देखिए स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यू नो क्लोजिंग दी थी कल, आज सस्टेन कर रहा है एंड इज गेनिंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक यू नो डेफिनेटली ट्रेडिंग के लिहाज से भी बाय यू नो पोजीशन बनता है। मेरे लिए जो टारगेट्स यहाँ पे निकल के आएंगे वो 2550 एंड 2580 के जो जोन्स हैं इनके करीब निकल के आएंगे। जो मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा ये 2480 2475 के जो जोन्स हैं इनके आसपास। एक क्विक वर्ड यू नो देना चाहूंगा अगेन ऑन टाटा मोटर्स, जो हमने करीब 5 मिनट पहले डिस्कस किया था कि भाई 515 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 513 के करीब को ऑलरेडी हाई मार चुका है, 508 के लेवल्स पे हमने डिस्कशन किया था। अगर किसी ने देखा हो सुना हो तो मैं कहूंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसे अब भी होल्ड करके चलें। तो चलिए, ये राय आपको रिलायंस पर मिलती हुई। इस बीच रेस्टोरेंट्स पर कुछ आपकी राय जानना चाहेंगे। आज भी हम देख रहे हैं दिव्यानी इंटरनेशनल, जुबिलेंट फूड, ये सारे के सारे स्टॉक्स में एक अच्छा मूव नजर आ रहा है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट प्ले पर कैसे फोकस करेंगे? एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के काउंटर को छोड़ दीजिए, लेकिन जुबिलेंट फूड दिव्यानी इंटरनेशनल में मजबूती देख रहे हैं। जी हाँ मानसी, देखिए इनमें अगर मैं देखूँ तो एज अ पैक जो अप मूव शुरू हुआ था ये यू नो मार्च के एंड में ही यू नो शुरू हो गया था। सो अच्छा खासा एक यू नो ट्रैक्शन है इसमें। देवयानी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस हुआ है, सस्टेन कर रहा है। अब जो इसकी पेस है ये थोड़ी सी कम हो चुकी है, बट वी कैन ग्रांटेड दिस लीवे क्योंकि 140 के लेवल से ये यू नो ऑलमोस्ट 180 तक अभी यू नो आ चुका है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है लेकिन बायस यहाँ पे अभी पॉजिटिव है। तो मैं कहूंगा यू नो इंट्राडे के लिहाज से ना लें, पोजिशनली यू नो इसको आप यू नो बाय करें। तो 174 को अपना स्टॉप लॉस बनाएं, टारगेट जो है आपके लिए 185 और 190 के निकल के यू नो यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन जब हम क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की बात कर ही रहे हैं देन हाउ कुड वी मिस आउट ऑन RBA व्हिच इज वन ऑफ द टॉप मूवर्स फॉर द डे सो फार। ऑलरेडी स्टॉक में करीब 8% की अप मूव है, बट अब मैं कहूंगा शायद द मूव इज डन एटलीस्ट फॉर द डे। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमने यू नो ऊपर के लेवल से देखी है तो एग्जिस्टिंग पोजीशन हो इसमें तो होल्ड करके चलें, लेकिन आने वाले समय में 120 से 125 के जो लेवल्स हैं ये यू नो ये स्टॉक दिखा सकता है RBA रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। इंटरेस्टिंग एवरेडी को प्लेयर्स जो उनमें भी अच्छा एक्शन है, लेकिन VBL के चार्ट से एक बार चेक कीजिए। के लिए ओके कुश, मैं FMCG पर वरुण बेवरेजेस पर आपकी राय चाहती हूँ। जी हाँ मानसी, आई थिंक देयर वाज स्लाइट यू नो ऑडियो इशू। बिल्कुल देखिए देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। स्टॉक में अच्छा खासा ट्रैक्शन है बना हुआ है, यू नो एट द रिस्क ऑफ यू नो कंपेयरिंग विद द बिगीज, ये बिल्कुल ITC जैसा मूव कर रहा है, कहीं इसमें क्रैक आ ही नहीं रहा। आप देखिए अगर मैं यू नो साल के शुरुआत से देखूँ, अदर फेब से देखूँ तो इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी कहीं कन्विंसिंगली यू नो ब्रेक नहीं किया है। हल्की सी डिप आती है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही साबित होती है। एंड द गुड थिंग इज कि इतने अच्छे अप मूव के बाद भी ये ओवर हीटिंग से काफी दूर है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप ट्रेडिंग के लिहाज से भी लेना चाहें तो एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। 1600 के टारगेट्स के लिए प्ले करें, स्टॉप लॉस जो है आपका 1530 1525 के जो जोन्स हैं इसके हिसाब से लेके चलें। बट जिस तरीके का सेटअप, जिस तरीके का मूव हम देख रहे हैं, इट्स अ गुड आइडिया टू होल्ड दिस स्टॉक पोजिशनली। यहाँ पे आप 1650 1700 जो के लेवल्स हैं ये भी यू नो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में देख सकते हैं।